राखी सावंत के साथ हुई नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना, भड़क उठे राखी के फैंस। पंजाब में राजनीतिक आग की लपट राखी सावंत के दरवाजे तक पहुंच गई है। दरअसल कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना राखी सावंत के साथ की गई और उसके बाद राखी सावंत के फैंस भड़क उठे और राघव चड्ढा को माफी मांगने की नसीहत दी। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो केजरीवाल को धोखेबाज बता रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस वीडियो में कहा कि केजरीवाल ने केंद्र सरकार के किसान कानूनों में से एक कानून को दिल्ली में लागू कर दिया था और उसके बाद विधानसभा में कानून की कॉपी फाड़ने का झूठा ड्रामा भी किया। ये सब एक ड्रामा नहीं तो और क्या था, ये मगरमच्छ के आंसू है। सिद्धू द्वारा केजरीवाल की गई आलोचना आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को पसंद नहीं आई। राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा कि सिद्धू पंजाब पॉलिटिक्स के राखी सावंत हैं, जो खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं और उसके लिए उन्हें कांग्रेस हाईकमान से डांट भी मिल चुकी है। लेकिन राघव चड्ढा का नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना राखी सावंत के साथ करना राखी के फैंस को पसंद नहीं आया और उन्होंने राघव चड्ढा की सोशल मीडिया पर जमकर क्लास लगाई और इसीलिए राखी सावंत ट्विटर पर 9वें नंबर पर ट्रेंड कर रही हैं। राघव चड्ढा को फटकार लगाते हुए राखी के फैंस ने लिखा, राखी सावंत किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करती, उनका अपना प्रोफेशन है और वो किसी को मुफ्त बिजली और पानी देने का वादा नहीं करती हैं, जैसा केजरीवाल सरकार ने किया है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आप अपना सम्मान खुद खो रहे हैं, बेशक राखी सावंत आपसे ज्यादा सम्माननीय है। अन्य कमेंट में यूजर ने लिखा कि आप एक पार्टी के नेता हैं और इस तरह की सेक्सिस्ट बातें करते हैं, आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं, राखी सावंत की तुलना कर रहे हैं, मतलब आप उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह के कमेंट दिए गए हैं। साथ ही ट्विटर पर हैशटैग चड्ढा माफी मांग भी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हालांकि अभी इस पर राखी सावंत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि राखी सावंत इस विषय पर किस तरह से रिएक्ट करती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।